वेट बंद कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो फ़ोन है तो ओप्पो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है तो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है तो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है ऑटो स्क्रीन ऑफ। तो सर्च करते ही ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपल आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सिंपली जैसे फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो यहाँ से ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। तो इस तरीके से आप ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। और आपका ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर भी ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाले आइकन सब बने आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी, फिर साथ में आप देखते हैं देख सकते हैं कि जैसे आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा आपको डिस्प्ले का। डिस्प्ले पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से टाइमिंग वगैरह चेंज करते ही ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।